प्रदेश के मंदसौर की पीपलिया मंडी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली से 45 किलो अवैध डोडा चूड़ा बरामद किया है, जिसके साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। और पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की तस्करों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी। थाना पीपलिया मंडी पुलिस मंडी के द्वारा महुनी मच हाईवे थडौद फंटे से एक बिना नंबर के ट्रैक्टर में ट्राली से 3 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों से भरा 45 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा, जिसकी कीमत 67,500 रुपये का बरामद करने में सफलता मिली है। मौके से एक आरोपी कमलेश पिता प्रभुलाल जाट, उम्र 32 वर्ष, निवासी वही पार्श्वनाथ को किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर की ट्रॉली में नीचे की तरफ स्कीम बनाकर की जा रही थी अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 8/15 NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। यह कल रात को थाने में पदस्थ उप निरीक्षक डेडिंग को उनके विश्वसनीय मुख्य द्वारा सूचना दी गई कि एक मैसी कंपनी का लाल रंग का ट्रैक्टर, पीछे ट्रॉली लगी हुई, उसमें आरोपी कमलेश जाट निवासी वही का अवैध रूप से डोडा चूरा लेके जा रहा है और स्कीम में छिपा कर रखा हुआ है। सूचना पर उनके द्वारा स्टाफ लेकर थड़ो घंटे पर नाकेबंदी की गई, उक्त ट्रैक्टर को पकड़ा गया और उसमें नीचे ट्रॉली के नीचे तरफ स्कीम बनाकर रखी हुई थी, इसमें 3 कट्टों में 45 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया, जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज उसका न्यायालय पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाकर आगे की पूछताछ की जा रही है। सर, ट्रॉली में किस तरह की स्टिंग बना रखी थी और माल कहाँ चलाना कहाँ ले जाना होता है? सर, ट्रॉली में जो हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के नीचे एक चादर का पसरा लगाकर स्टिंग बना रखी थी, जिसमें ये अवैध रूप से जो डोडा चूरा बरामद किया गया उसको छुपा कर रखा गया। कहाँ चलाना कहाँ ले जाना कुछ प्रारंभिक जाँच? अभी अपना रिमांड लिया गया है, रिमांड के बाद से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्षेत्र में निरंतर स्कीमें की बनाकर जो गाड़ी है घोड़ा चोरा तस्कर सक्रिय और माल परिवहन कर रहे हैं, तो सर किस तरह से टीम बिंदु जांच करेंगे? स्कीम बनाने जा रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कोई जाँच होगी? नहीं, अब सूचनाएं जो मिलती हैं सूचनाओं के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है और जो स्कीम बना रखी है या जो जिनके द्वारा बनाई जाती है उनके संबंध में पता वैसी की जा रही और पता चलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओके सर, थैंक यू।